हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीर एंड मम्मा। और आज मैं आपको अरवी के पत्ते की पकौड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी ले लिया, उसमें मैंने दो कलछी छोटी कलछी से ये चावल का आटा ले लिया। चावल का आटा इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं, इससे क्रिस्पी बनते हैं पकौड़ियाँ। और इसी कलछी से मैं दो कलछी बेसन ले लूँगी। अब इन सबको हम इसमें हल्दी डाल दूंगी आधी छोटी चम्मच। ये जीरा मरीच धनिया का मैं एक चम्मच के लगभग पाउडर डाल दूंगी। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। और ये मैंने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, इसमें से मैं 3 बड़ी चम्मच डाल देंगे। इससे पकौड़ियाँ बहुत ही चटपटी बनती हैं। और ये मैंने आम की चटनी डाल दी है, आप आम के अचार डाल दें या नींबू है आपके पास तो एक नींबू इसमें डाल दें। अब हल्के हल्के पानी डाल के हम इसका गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमें ऐसे ही पेस्ट बनाना है। पेस्ट ज़्यादा पतला आप ना करें, गाढ़ा ही पेस्ट रखें। अब मैं इधर पत्तों को यहाँ पे बीच से इसका डंडल निकाल के, और ये मैंने धो के इसको रख लिया था। अब मैं इसको एक बड़े थाली पे इसको ऐसे उल्टे साइड में रख रख के ऊपर से इस पर बेसन लगाएंगे। और ऐसे हम एक के ऊपर एक पत्ते रखेंगे साइड में। और सब पे बेसन अच्छे से हम लगा लेंगे। साइड साइड से भी पत्ते हम एक बराबर रखेंगे, ये कहीं भी ज़्यादा ना मोटा ना ज़्यादा पतला, हम अपने अनुसार देख के जहाँ जहाँ पत्ते लगाने हम कि एक बराबर बन के तैयार हो। ऐसे ही हम सारे पत्तों को ये देखिए चेक करके देख लिया कि ज़्यादा पतला या मोटा, आप अपने हिसाब से रखें। मैं ना ज़्यादा पतला बनाऊँगी और ना ज़्यादा मोटा बनाऊँगी, मैं मीडियम साइज़ का बना के तैयार कर लूँगी। और ये मैंने दोनों साइड से फोल्ड करके इस पर बेसन लगा लिया है। अब दोनों हाथ से हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, जैसे टाइट हाथों से अब इसको फोल्ड करें। और ऐसे हम फोल्ड करते आ जाएंगे। और ये देखिए कितना अच्छा बनके ये तैयार हुआ है। ऐसे ही हम बना के रेडी कर लेंगे और इसको पीस में काट लेंगे, गोल गोल पीस में। इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गरम हो गया, इधर मैंने पीसेस काट लिए ऐसे। देखिए ऐसे ही काट के तैयार कर लें, तेल गरम हो गई है। अब एक एक पकौड़ियाँ ये उजड़ गई हैं, लेकिन आप अच्छे से इसको बना लें। और ऐसे ही मैं सारे पकौड़ियाँ इसमें तेल में डाल दूँगी। हमें इसको डीप फ्राई नहीं करनी है, हमें इसको सेलो फ्राई करनी है। और ऐसे में सारी पकौड़ियाँ डाल दिया है और ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने से अंदर तक ये पत्ते गल जाते हैं और पक जाते हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं और इसको पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बन ये क्रिस्पी बन के तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और अच्छे से इसको पका लेंगे। ये अब इसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये अरबी के पत्ते की पकौड़ियाँ कैसे लगें।